मूठियों के बारे में आपने सुना होगा, पर क्या अमृत आज के युग में भी धरती पर मौजूद है? क्या अमृत आम जनमानस को प्राप्त हो सकता है? क्या अमृत को प्राप्त कर आज के युग में भी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है? और यदि अमृत आज के युग में भी मिलता है तो वो मिलेगा कहाँ? नमस्कार, मैं हूँ सुभाष कौड़ और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर भी अमृत मौजूद हैं? जी हाँ, वही अमृत जिसको लेकर देवताओं में और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था। जिस अमृत को पाने के लिए देवता और असुर एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, वही अमृत अब पृथ्वी पर भी मौजूद है। आज उसी कहानी को लेकर हम आपको बताएंगे कि वो शिव अमृत क्या सच में पृथ्वी में मौजूद है, और यदि मौजूद है तो मिलता कहाँ है? क्या अमृत धरती पर है मौजूद? क्या अमृत को कलयुग में किया जा सकता है प्राप्त? क्या अमृत के सेवन से मिल जाएगा जीवन? इन सब सवालों के जवाब को तलाशने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश पहुंची, और फिर हिमाचल प्रदेश से पहुंची हरियाणा के यमुनानगर के कालेश्वर क्षेत्र में। अमृत की तलाश में हम पहुंचे हैं उत्तराखंड से हरियाणा में, और हरियाणा के यमुनानगर जिले के कलेसर में, जहां मौजूद है कालेश्वर महादेव मठ मंदिर, जहां बताया जाता है कि यहीं शिव अमृत मिलता है जिससे कि गंभीर से गंभीर बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं कालेश्वर मठ के उस मंदिर में। अमृत की तलाश में निकले हो और महादेव के दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ हमारे साथ भी, जब हम यमुनानगर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में यमुना नदी किनारे स्थित भगवान शिव के मंदिर कालेश्वर महादेव मठ पहुंचे, तो हमने देखा मंदिर में भगवान शिव का अति प्राचीन स्वंभू शिवलिंग है। पौराणिक मान्यता है कि इस मठ में स्वयं भगवान शिव स्वंभू लिंग के रूप में विराजमान है। ये शिवलिंग बहुत अद्भुत है, जिसके मूल में ब्रह्मा जी की नाभि, मध्य में विष्णु जी का चक्र और ऊपर भगवान शिव विराजमान है। स्वयंभू महादेव यहाँ रहते हैं, क्या इसकी मान्यता है? ये भगवान महादेव की स्वयंभू पिंडी है, ऐसा बतलाते हैं यहाँ पे कालका नाम के महात्मा हुए। उन्होंने इस स्थान में भगवान भोलेनाथ का घोर तप किया। कहते हैं उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव जी ने साकार रूप में इस स्थान में उनको दर्शन दिए। उनसे पूछा, तुम वर मांगो, तुम्हारे ही तप से हम प्रसन्न हैं। तो कहते हैं उन्होंने कहा, भगवान मैं तो सदैव आपके दर्शन करना चाहता हूँ। कहते हैं महादेव जी ने उनको तथास्तु का आशीर्वाद दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। कहते हैं भगवान के अंतर ध्यान होते स्वयं अपने आप भू जमीन से निकली हुई पिंडी है जो आपने देखी अंदर भगवान भोलेनाथ की। कालका नाम के महात्मा थे, कालांतर में उन्हीं के नाम से कालेश्वर यहाँ का नाम पड़ा हुआ। हर हर महादेव। इतना ही नहीं, कालेश्वर महादेव मठ में 5000 साल पुराना एक वट वृक्ष मौजूद है, जो कि दर्शाता है कि महादेव का स्थान कितना पुराना है। बताया जाता है कि ये वट वृक्ष साल दर साल आगे बढ़ता ही जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी भी बताते हैं कि चलता हुआ वट वृक्ष है, जो कुछ साल पहले दूसरे स्थान पर था और आज दूसरे स्थान पर मौजूद है। पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि वट वृक्ष बहुत पुराना है, क्या इसकी मान्यता है, क्या कुछ कहा जाता है इसको लेकर? यहाँ पे जो आप वट वृक्ष आपने देखा है, ये जो है पांडव समकालीन बतलाया जाता है। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ, हुड्डा साहब आए थे, तो हुड्डा साहब जब आए तो किसी ने कह दिया कि ये जो है 4000 साल प्राचीन जो है वट वृक्ष है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने फिर जो है यहाँ पे जो है पुरातत्व विभाग की जो है टीम भेजी, तो वो यहाँ से इसकी जड़ें निकाल के ले गए और आकलन करके उन्होंने बताया कि पांडव समकालीन यानी 5000 वर्ष पुराना
ये बट वृक्ष है। बट वृक्ष को आप ये भी कह सकते हैं कि चलता हुआ वृक्ष, क्योंकि बट की जो लताएं वो वृक्ष का रूप धारण करती है और बट जो है आगे बढ़ता रहता है। कालेश्वर महादेव मठ में थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा मठ के कुएं में राम सेतु के निर्माण में लगे दो पत्थर मौजूद है, जो कि 5 किलो से ज्यादा का भार होने के बावजूद भी पानी में तैरते हुए दिखे। इन पत्थरों को देखकर पता चलता है कि श्री राम महासागर को इन पत्थरों के जरिए पार कर पाए, जो कि समुद्र में भी नहीं डूबे। पंडित जी, इस मंदिर में इतनी खासियत है कि कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक और खासियत देखी कि राम सेतु के जो पत्थर थे वो इस मंदिर में मौजूद हैं। कौन उन्हें लाया और क्यों उनको इस तरीके से रखा गया? ये जो है राम सेतु का पत्थर, कोई महात्मा जी जो है राम सेतु जो आप तमिलनाडु में है वहाँ से लेके आए और इस स्थान में रखा हुआ है, जो इस स्थान की शोभा को बढ़ा रहा है। हर हर महादेव। ये भी चीज़ है कि अब पानी में रखा गया है ताकि लोगों को भरोसा आए कि राम सेतु का पत्थर और वो तैरता हुआ नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो पत्थर है ये आप पानी में इसको डुबाने के सोचेंगे तो ये ऊपर आएगा। कालेश्वर महादेव मठ के प्रांगण में कुछ दूर जाते ही हमें वो शिव अमृत नजर आ गया, जिसकी तलाश में हमने दूर राज्यों का फासला तय किया था। वो अमृत जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, वो अमृत जिससे गंभीर रोगी भी ठीक होकर चलने लगता है। पर जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो पता चला ये आयुर्वेदिक अमृत है, जो कि जड़ी बूटी से तैयार किया जाता है और जिसके सेवन से क्रॉनिक डिजीजेस, किडनी, हार्ट, चर्म रोग, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती है। हमारे साथ कालेश्वर महादेव मठ के आचार्य सुरेंद्र गैरोला जी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या महत्व है इस मंदिर का और जो लोग यहाँ आते हैं क्या वो सच में इन गंभीर बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं या फिर ये सभी अफवाहें हैं। गैरोला जी, ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आता है, शिव अमृत लेकर जाता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। क्या इसमें सत्यता है या फिर ये अफवाहें इस मंदिर को लेकर उड़ाई जाती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें पूर्ण सत्यता है और ये किसी ऋषि महात्मा का दिया फॉर्मूला है जिसको आग यहाँ पे चला रहे हैं यहाँ के महंत लोग। बड़ा ही कारगर है, इसमें शरीर के अंदर 80% बीमारियों का निदान इस दवा से हो जाता है। दवा क्या, भगवान की दुआ कहेंगे। तो ये माना जाए कि जिस अमृत के लिए देवता और राक्षसगण लड़ते रहे वो अब धरती पर भी मौजूद हैं और वो यहाँ मिल पाता है आम जनता को, जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। हाँ जी, इसमें कई ऐसी असाध्य जो है जड़ी बूटियाँ हैं जिससे असाध्य से असाध्य रोग जो है दूर होता है। सर, किस तरीके की बीमारियां अभी तक लोग लेकर आए और उसके बाद जब उन्होंने शिव अमृत लिया तो वो दूर हो गई? जैसे आप देखते हैं कैंसर कितनी असाध्य बीमारी है, तो हमारे यहाँ शिव अमृत के पान से जो है उनको दिव्य जो है वरदान मिल जाता है, भगवान की कृपा से उनके कैंसर का रोग दूर हुआ है। और जिनको PGI में डॉक्टरों ने जवाब दिया है वो भी भगवान की कृपा से पूर्णतः ठीक स्वस्थ हैं। ऐसे पेशेंट तो माना जाए कि गंभीर से गंभीर बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, शुगर हो या फिर और भी कोई महत्वपूर्ण जो बीमारियां होती, बड़ी बीमारियां होती हैं, वो इस शिव अमृत के लेने के बाद वो ठीक हो जाती है और लोग आपके पास पहुंचते भी हैं। एक मेरा सवाल और है कि बाहर ये कहा जाता है कि भारत के अलावा विदेश से भी कुछ लोग यहाँ आते हैं। हाँ, बड़ी दूर दूर से, विदेशों से, अलग अलग राज्यों से जो ठीक होते हैं वो अपने जो है इष्ट मित्रों को बताते हैं, जिनको समस्या होती है भगवान की कृपा से जो है वो ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। इतना ही नहीं, जब हम शिव अमृत लेने पहुंचे तो देखा वहां कई लोग मौजूद हैं। हमने उनसे बात की, कोशिश की, उनसे पूछा क्या वो शिव अमृत सच में उनको बीमारियों से दूर रखता है, तो कई लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से शिव अमृत का सेवन कर रहे हैं और इस शिव अमृत के सेवन से उनकी सभी दवाइयां बंद हो चुकी हैं। कालेश्वर मंदिर के उस स्थान पर जहां पर शिव अमृत मिलता है हम उस स्थान पर मौजूद हैं और पीछे ही वो स्थान है जहां लोग शिव अमृत लेते हुए नजर आ रहे हैं और कई लोग शिव अमृत लेकर चले भी गए। हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति हैं
जो यहाँ शिव अमृत लेने पहुँचे हैं, हालांकि ये यहाँ के लोकल नहीं हैं, कहीं बाहर से आए हैं। सर आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम संजय है। संजय जी, ये कहा जाता है कि दूर दराज के लोग भी यहाँ आते हैं, आप कहाँ से आए? जी सर, मैं सहारनपुर से आया हूँ। आपको क्या, किसने बताया और क्यों आप यहाँ पहुँचे इस मंदिर में? जी सर, मैं यहाँ के मतलब स्थानीय लोगों से पता करके गया था, तो ये दवाई वास्तव में बहुत अच्छी है और कैंसर और पेट के रोगों, समस्त रोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। और इसे अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं भी है तो भी इसे नियमित लेता रहेगा तो उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। तो आप इतनी सहारनपुर से इस दवाई को लेने के लिए यहाँ पहुँचे, शिव अमृत को लेने के लिए यहाँ पहुँचे? जी, मैं और मेरा परिवार काफ़ी समय से शिव अमृत का सेवन कर रहा है, उससे हम सभी को बहुत लाभ है। हमारी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं इसके सेवन करने से वो सब बंद हो चुकी हैं, अब हम शिव अमृत लेकर के बढ़िया से अपना जीवन चला गुजार रहे हैं। मैम, ये कहा जाता है शिव अमृत जो भी लेता है ठीक होकर जाता है, आप कितने समय से यहाँ आ रही हैं? 8 साल से। क्या लगता है कि सच में शिव अमृत काम कर? कुल एकदम शिव अमृत एक दवाई नहीं, एक परमात्मा का एक आशीर्वाद है ये। कम से कम मैं 200-300 लोगों को दवाई दे चुकी है यहाँ से ले जाकर। उनका भी कहना है कि दवाई काम करती है? एकदम से काम करती है, एकदम से, शंकर भगवान की मेहरबानी, एकदम से दवाई काम करती है ये। किस किस बीमारी के लिए महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण जैसे कैंसर, लीवर, हमारे गुर्दे खत्म हो गए या हमारे घुटनों में कोई परेशानी है, अगर शरीर में गांठे हैं, 250 बीमारियों पे एक दवाई काम करती है शिव अमृत। तो आप 8 सालों से सेवन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेहतर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। खाली मुझे नहीं, मेरे साथ जितने मेरा मंदिर का काम है, जितने भी लोग जुड़े हुए, सबको एकदम से बढ़िया। इस दवाई को लेने के बाद कोई दवाई की जरूरत पड़ती ही नहीं। इसे चमत्कार कहें या फिर संयोग, पर शिव अमृत के सेवन से कई लोग ठीक हुए तो कई लोगों की गंभीर बीमारियां दूर हुई। पर कालेश्वर महादेव मठ पहुंचकर ये तो जरूर पता चलता है कि आज भी इस धरती पर देवों का वास है और जहां भी देव रहते हैं वहां ऐसी शिव अमृत जरूर प्राप्त हो जाते हैं। तो आपने देखा, हरियाणा के यमुनानगर जिले में कालेश्वर महादेव मठ के अंदर वो शिव अमृत मिलता है जिसकी तलाश देश और दुनिया के वो सभी लोग करते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ना केवल भारत बल्कि विदेश से भी कई लोग यहाँ शिव अमृत लेने पहुँचते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।